हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री। स्टार्टिंग से बात करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री। ये क्लासेस बोर्ड्स के लिए, जो भी बच्चे क्लास 10 में बोर्ड में हैं, एंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री, जिसमें जो चैप्टर फर्स्ट है वो है चैप्टर फर्स्ट जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है और इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, और ये चैप्टर फिनिश होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो पहले जो केमिकल रिएक्शंस होती थी उनको जब हम बोलते थे तो काफी लंबा बोलते थे। जैसे क्या बोलते थे केमिकल रिएक्शन को, कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते थे, वो लिखकर रिप्रेजेंट करते थे, जो काफी लंबा मेथड होता। अब हम क्या करेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सिंपल वे में रिप्रेजेंट करेंगे, और इस केमिकल रिएक्शन को हम करेंगे वर्ड्स में। इसमें करेंगे वर्ड्स में, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन क्या होगी, मैग्नीशियम को लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखेंगे, ज्यादा फालतू नहीं लिखेंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर और लगा स्टूडेंट्स को, और लगा साइंटिस्ट को, और लगा कि और कैसे केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में। तो उसके बाद वर्ड इक्वेशन के बाद आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को जो रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या रखा गया, Mg, और ऑक्सीजन को क्या रखा गया, O2, एंड ये क्या है, MgO। तो जो केमिकल रिएक्शन है ये वो ये थी, वर्ड इक्वेशन है वो ये थी, और इसकी सिंपलर फॉर्म जो केमिकल इक्वेशन है वो ये। तो इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बैलेंस भी करेंगे, इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे। लेकिन जो चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो ये था कि हमें केमिकल रिएक्शन को समझना है और इक्वेशन को समझना है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो आप ऊपर देख रहे हैं और केमिकल इक्वेशन जो है वो ये देख रहे हैं। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन में, कि केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या बैलेंस्ड है, क्योंकि क्लास 9th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें बताता है कि मैग्नीशियम जितना इधर है, मींस ये जो साइड है, इस साइड को कहते हैं रिएक्टेड साइड, क्या कहते हैं, रिएक्टेड, और इस साइड को कहते हैं प्रोडक्ट साइड। ठीक है, रिएक्टेड साइड वो साइड होती है जिसमें रिएक्टेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो व्हाट इज रिएक्टेंट की बात करें तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ सब्सटेंस टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड नंबर ऑफ एटम या ये कह सकते हो रिजल्ट कम्स आउट फ्रॉम द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब बात करते हैं रिएक्टेंट में, आप ये देखिए Mg कितना है, 1, यहां भी Mg कितना है, 1, यहां ऑक्सीजन कितने एटम है, 2, यहां ऑक्सीजन कितने है, 1। अब यहां 2 है, यहां 1 है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितने एटम इधर होंगे उतने ही एटम उधर होंगे। नाइदर मास क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास को आप पैदा नहीं कर सकते ना ही बर्बाद कर सकते। तो जब आपके पास जो मास है उतना ही तो रहेगा। इसलिए केमिकल इक्वेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन जो है वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, अगर वो अनबैलेंस्ड है तो हमें उसको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि केमिकल इक्वेशन कभी भी अनबैलेंस्ड नहीं होती। तो केमिकल इक्वेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसका एक और नाम होता है, अदर भी इसको कह सकते हैं स्केलेटन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो आज जो अभी ये था
केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। मींस जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, जिसके एटम्स बराबर है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उसको बैलेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा Zn plus H2SO4, तो क्या बनेगा ZnSO4 plus H2। अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस कैसे है, यहाँ जिंक कितना है एक, यहाँ भी कितना है एक, हाइड्रोजन कितना है दो, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है दो, सल्फर कितना है एक, यहाँ भी सल्फर कितना है एक, ऑक्सीजन कितना है फोर, यहाँ भी ऑक्सीजन है फोर। तो आप ये देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो कि जिंक जितने एटम यहाँ है उतने ही यहाँ है, सल्फर जितना रिएक्टेंट साइड में उतना ही सल्फर प्रोडक्ट साइड में, ऑक्सीजन के फोर एटम है रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन के फोर एटम है रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन के टू एटम है रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन के टू एटम है प्रोडक्ट साइड में। तो इससे ये पता लगता है कि जो एटम है वो बराबर है और ही होता है, बिल्कुल एक्चुअल होता है, क्योंकि आप जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना ही प्रोडक्ट आएगा, ये नहीं कि कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो यही एटॉमिक लेवलाइजर ने कहा था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसलिए मास ना पैदा होता ना बर्बाद होता, जितना इधर होगा रिएक्टेंट साइड में जितना होगा केमिकल रिएक्शन से जितना पहले होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में आएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, रिएक्शन कैसी होती है अनबैलेंस, जैसे H2 plus O2, H2 plus O2, O2 बनता है H2O। अगर आप देखोगे यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं दो, यहाँ कितने हैं दो, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं दो, यहाँ कितना है एक, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसी है अनबैलेंस, तो इसको हम क्या करेंगे बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए समझते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में।